बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और सचिवालय घेराव के लिए बीजेपी के चौतरफा मार्च को पुलिस ने रोका है। जहां आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी को भी हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं, हावड़ा शहर जंग का मैदान बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर बोतल फेंक रहे हैं तो पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और पानी की बौछार कर रही है। अभी 5 तस्वीरों को अभी आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी का यह सड़क संग्राम, जहां हजारों की तादाद में लोग इस सरकार के खिलाफत में उतरे हुए हैं, जहां धरना प्रदर्शन और ये पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की अभी सड़क है वहां पर ये घमासान हमें देखने को मिल रहा है। नीचे टीयर गैस, पानी की बौछार पुलिस की तरफ से। वहीं पुलिस ने के साथ हिंसक झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों की, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन तस्वीरें क्या है, गतिविधियां क्या है, देखिए जरा किस तरह से प्रदर्शनकारी ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन उस तरफ से जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन यानी पानी का बौछार किया गया है। लेकिन हजारों की संख्या में अभी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी इसको लीड करने वाले थे, लेकिन पहले ही उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही लॉकेट चटर्जी के साथ कुछ और जो बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल इकाई के, उनको हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। और महिला पुलिस कर्मियों की टुकड़ी भी तैनात की गई है। और किस तरह के हालात हैं ये जरा तस्वीरों को देखिए। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस बल फ्लैग मार्च करते हुए और सभी को शांति बनाए रखने की अपील। लेकिन कब ये जाकर घमासान थमेगा अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पुलिस पूरी तरह से कोशिश में है कि ये हालात काबू में उनके साथ हो, लेकिन अभी जो ये घमासान आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अभी पत्थरबाजी, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी और पुलिस ने आंसू गैस के गोले को इस्तेमाल किया है, दागा गया है बीच में। और इस वक्त हालात क्या है, हमारे साथ दो सहयोगी, दो संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। सुरोयाग्नि रॉय जुड़ रहे हैं हावड़ा से, ऋतिक मंडल भी जुड़ रहे हैं इस वक्त कोलकाता से, लेकिन हावड़ा का रुख करेंगे, सुरोयाग्नि के पास सबसे पहले जाएंगे। सुरोयाग्नि, अभी किस तरह के हालात हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले जो झड़पें आ रही थी, अब क्या उसमें शांति देखने को मिल रही है, क्या हालात काबू में है? आशुतोष, हम दोपहर से जो ट्रेंड देख रहे हैं कि पुलिस इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलती है और उसके बाद अक्यूमुलेट होकर फिर से वो हावी होते हैं पुलिस के ऊपर। देखिए ये लाइव विजुअल्स है, आप देख रहे हैं कैसे ये इनका शील्ड अप है, इसका मतलब ये है कि पत्थरबाजी से बचने के लिए पूरा रास्ता दिखाएंगे आपको एक बार, जहां पर ये पूरे इस स्ट्रेच पे आप कितना पत्थर देख पा रहे हैं, कहीं से भी पत्थर आ सकता है। और आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे पुलिस कितना चौकन्ना है कि उन्होंने शील्ड अप करके रखा है यहाँ पे, ताकि अगर पत्थर आता है तो वो अपना सर बचाए, वो अपने आप को बचा पाए। पत्थर ये देखिए, तो कहूंगा सूर्याग्नि आप भी उसमें हेलमेट अगर हो सके, मुमकिन हो तो आप लगा लें, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है आसपास में देख रहा हूँ, पत्थर आप चोटिल ना हो, अपना भी ध्यान रखें। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पे बैक टू बैक पत्थरबाजी यहाँ पे हो रही है। ये आप देखिए पत्थर कैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि पत्थर कैसे बैक टू बैक यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पे पूरा पत्थराव हो चुका है, यहाँ पे ये गार्डेड अप है, ये कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि स्टेशन ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे फिर से इस राफ के अफसर को लगा। ये दोपहर से यही प्रेसिडेंट है, यही हो रहा है कि पहले पुलिस के द्वारा इनको पीछे ढकेला जाता है, कार्यकर्ताओं को वहां पे एकजुट होते हैं स्टेशन के पास और फिर से पुलिस पे हावी होते हैं। ये करीबन एक घंटे के अधिक टाइम से यही एक ट्रेंड चल रहा है और अभी तक स्थिति जो है यही है, आपके सामने है आशुतोष। सूर्याग्नि एक बार जो दर्शक अपडेट ना हो उनको जरा पूरा अभी तफसील से आप जानकारी दें, अपडेट कर दें सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस लिए ये विरोध प्रदर्शन बुलाया है, शुरुआत कहां से हुई, मुद्दा क्या है, आधार क्या है, भ्रष्टाचार या फिर कुछ और? देखिए भ्रष्टाचार ही आधार है, इस मुद्दा है बीजेपी के तरफ से। ये जो पिछले एक महीने डेढ़ महीने में हमने देखा कैसे पार्थ चैटर्जी को ईडी ने उठाया, यहाँ पे देखिए कैसे फिर से, जैसे हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे पत्थरबाजी हो रहा है। जैसे आपने पूछा कि यहाँ की स्थिति क्या है, स्थिति यही है, ये देखिए बैक टू बैक। और इसको काउंटर करने के लिए पुलिस क्या करती है, पुलिस या तो लाठीचार्ज कर रही है या फिर टेयर शेल्स यूज कर रही है या फिर वाटर कैनन तो पहले ही इस्तेमाल किए गए थे। हाँ देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जैसे हम कह रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे बैक टू बैक पत्थरबाजी यहाँ पे हो रही है, गार्डेड अप है, शील्डेड है, लेकिन फिर भी ये पत्थरबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपके सवाल पे आते हैं आशुतोष,
ये एजेंडा जो है वो करप्शन है कि बीजेपी की तरफ से आज 99 जो ममता बनर्जी का ऑफिस है वहां पे उसके सामने प्रोटेस्ट करना, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना भी एक्टिविटीज करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहा है ये ममता बनर्जी को पता है और उसी लिए शायद ये लोग वहीं पर ही देखिए ये बोलने से पहले फिर से आपको विजुअल दिखाएंगे कि कैसे पत्थरबाजी कॉन्स्टेंटली यहां पर आशुतोष देखिए 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 अभी टेयर शेल बिल्कुल टीयर गैस भी छोड़ा अभी टीयर शेल फटा यहाँ पे फिर से आप देखिए अगर उस कैमरा पर्सन को दिखाएंगे फिर से एक टीयर शेल यहाँ पे फोड़ा गया पुलिस की तरफ से पीछे धकेलने के लिए ये पुलिस और जो कार्यकर्ता है उनके बीच ये झड़प जो है ये पिछले देर घंटे से कोलकाता का अपडेट हम दर्शकों को पहुंचा दे ऋत्विक मंडल का रुख कर लेते हैं ऋत्विक कोलकाता में क्या माहौल है किस तरह से क्या वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार क्या कह रही है ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कोलकाता का माहौल क्या है इस तरह ऋत्विक ऋत्विक मंडल आप हमें सुन पा रहे हैं आप तक आवाज पहुंच पा रही है आशुतोष जी बताएं आशुतोष पहले तो बता दें कि आज हावड़ा मानो जैसे जंग का मैदान बन गया था पिछले कुछ घंटों से हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे जी 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 आवाज पहुंच पा रही है आशुतोष अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पहले बताऊं कि हावड़ा मानो जैसे एक तरीके से आज जंग का मैदान हो गया था फिलहाल जैसे सूर्याग्नि तस्वीर आपको दिखा रहा था सात्रागाछी से वैसे ही कोलकाता या फिर हावड़ा की दूसरी छोर यानी फिलहाल जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं हावड़ा मैदान यहां पर भी एक ही मंजर है लगातार पुलिस जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स उनके तमाम नेता जैसे सुकांत मजुमदार जो स्टेट सेक्रेटरी है वो यहां पर पहुंचते हैं और पहले बहुत खूब झड़प होती है दोनों में यानी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच जैसे ही सपोर्टर्स और जो प्रदर्शनकारी है जैसे ही वो जो बैरिकेड लगवाए गए थे उसको लांघने की कोशिश करें तो पुलिस के तरफ से आपका दोबारा रुख करेंगे कुछ तकनीकी समस्या है बौछार की गई आप तब तक हम उसको ठीक करते हैं हम सूर्याग्नि का रुख कर लेते हैं सूर्याग्नि अभी क्या अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब लगातार अगर सुबह से आप जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं ना पुलिस वाले रुक रहे हैं ना प्रदर्शनकारी रुक रहे हैं आखिर ये समाधान कहां होगा ये कब मामला शांत होगा क्योंकि जो जनता है वहां की काफी परेशान हो रही है और जाहिर सी बात है कुछ जानकारी मिल रही है कि अगर पत्थरबाजी हुई है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं कुछ हल्का बल प्रयोग भी किया गया है तो दोनों तरफ से प्रदर्शनकारी और पुलिस निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी भी कुछ जख्मी होंगे देखिए पुलिसकर्मी जख्मी हमने कुछ देर पहले ही दिखाया कि कैसे पुलिसकर्मी के पैर से खून निकल रहा है यहाँ पे देखिए पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं लेता यहाँ पे पुलिस इनको पीछे जाने के लिए कहता है ये लोग जाते भी है लेकिन फिर से एक्यूमुलेट होके ये लोग सामने आ जाते हैं ये साइकिल जो है ये जो पिछले एक डेढ़ घंटे से यही चल रहा है ये पत्थरबाजी ये पहले ये इनको रोका जाता है फिर उनको पीछे ढकेला जाता है और फिर से ये लोग अक्यूमुलेट होकर पत्थरबाजी करते हैं फिर से इनको पीछे ढकेला जाता है तो ये हम बहुत टाइम से यही देख रहे हैं और लेकिन इसका समाधान क्या है यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई वार्ता जाएगा या यहाँ पे देखिए फिर से पत्थरबाजी जैसे आपने कहा कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे वैसे ही देखिए कितना भयंकर पत्थरबाजी ये बैक टू बैक अभी हो रहा है ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस ये जो बिल्डिंग है ये सात्रागाछी स्टेशन है यहाँ पे टियर गैस यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे पत्थरबाजी स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है सूर्याग्नि वो रेलवे स्टेशन है वो सात्रागाछी रेलवे स्टेशन है ट्रेन जा रही है आ रही है वहां पे ही जमायत हुआ है और यहाँ पे वो बैरिकेड के पीछे जो आप देख रहे हो एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए उसके पीछे ही लोग खड़े हैं और वहां से पीछे चले जाते हैं और उसी के बाद एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए वो बैरिकेड उसी के पीछे कार्यकर्ता चले जाते हैं फिर वापस आते हैं और फिर पत्थरबाजी होती है और यहाँ पे देखिए ये यही चल रहा है पिछले एक डेढ़ घंटे से यही इसी स्पॉट पे भीड़ को पीछे ढकेलने के बाद एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कैमरा पर्सन को ये रास्ता दिखाने के लिए रास्ता जो स्टेशन तक जाता है अगर आप देखे कितने यहाँ पे कितने पत्थर हैं उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना पत्थरबाजी
हुआ है। यहाँ पे कैमरा पर्सन हमारे प्रसून आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स, यहाँ के शील्डेड अप है वेस्ट बंगाल पुलिस, आप देखते हैं WBP और कार्यकर्ता इस बैरिकेड के उस तरफ है, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये पिछले एक डेढ़ तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि महिला कार्यकर्ताओं का भी जमा हो रहा है, महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा नाम नहीं ले रहा। और इसकी समाधान जो आप सवाल पूछ रहे हो, इस समाधान सुरैग्नी वहां पर हम देख पा रहे हैं कि महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, उन्होंने भी हल्ला बोला हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में उनकी भी तादाद नजर आ रही है सुरैग्नी। जी हाँ बिल्कुल, और उसी के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा यहाँ पे देखिए फीमेल कॉम्बैट फोर्स कितना है, फीमेल कॉम्बैट फोर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयड की गई है ताकि उनको पीछे ढकेला जाए। यहाँ पर बहुत डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, अभी देखिए पुलिस के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस और कार्यकर्ता अभी शायद एक ट्रूस यहाँ पे हो, और उसके पीछे टियर गैस और फिर पत्थरबाजी। ये इस टियर गैस से और एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए जरा, यहां पर टियर गैस छोड़ा गया किस तरह से, अभी आवाज भी आई थी, और ये आंसू गैस के गोले का जो धुआं है वो भी आप साफ तौर पर स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। तो पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने है, सूर्याग्नि ये बातचीत हो रही है, हम देख पा रहे हैं आक्रामक तरीके से लेकर बातचीत होने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमने कहा कि पिछले एक डेढ़ घंटे से लगातार यही लूप में जो हम लोग दिखा रहे हैं वही हो रहा है, और कुछ डेवलपमेंट इसका हुआ है नहीं, तो शायद अभी इसको खत्म करने के लिए ताकि इसको पीसफुली इसका एक सोल्यूशन निकले दोनों पार्टियों की तरफ से बातचीत शायद हो रही है। लेकिन उसके बीच में जैसे हम दिखा रहे हैं आपको कहीं कहीं से पत्थर भी आते हैं, पत्थरबाजी भी हो रही है।